नमस्कार दोस्तों, एन की मस्ती चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जो है 8वां चैप्टर कल पढ़ा दिया था मैंने, है ना। अब आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, लेसन नंबर 7, प्रश्नावली 7। पहले तो भाई साहब प्रश्नावली 7 की फंडामेंटल चीजें देखिए। प्रश्नावली के प्रश्न हैं 7.1, 7.2, 7.3 के तो आपको करा दूंगा, परंतु उससे पहले आपको प्रश्नावली के जो है मेन चीज, फंडामेंटल चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसमें क्या है, ये आपका अक्ष होता है एक्स अक्ष, जो आपका क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष होता है, और ये आपकी प्रश्नावली 6 नंबर की आने वाली है, ठीक है बच्चों। 6 नंबर की आएगी, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, 6 नंबर की आएगी, 7 ही प्रश्नावली है और इजी है, बिल्कुल इजी है, आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये जो आपकी क्षैतिज लाइन है वो एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर लाइन है वो वाई अक्ष होता है, ठीक है बच्चों। ये एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, मतलब इसमें एक्स भी 0 और वाई भी 0, या माइनस एक्स है या माइनस वाई है, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें फर्स्ट चतुर्थांश है, कौन सा चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है बच्चों। जो पहले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, मतलब प्लस और प्लस आएगा। सेकंड चतुर्थांश है, उसमें पहले माइनस आएगा, बाद में प्लस आएगा। देखो वाई हमेशा बाद में लिखोगे बच्चों, वाई को हमेशा बाद में लिखोगे, पहले आप किसको लिखोगे, एस को लिखोगे, एक्स को। तो माइनस कोमा प्लस, इसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, माइनस माइनस हो गया, इसमें पहले प्लस लिखोगे और माइनस को बाद में लिखोगे, समझ गए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि -3,-4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से में भाई, माइनस और माइनस तीसरे में स्थित है, 4,-3 कोण से चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो पहले प्लस है फिर माइनस है, तो कोण से में फोर्थ चतुर्थांश में स्थित। -3,+2 कोण से चतुर्थांश में स्थित है, तो पहले माइनस है फिर प्लस है, तो कोण से चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। 4,2 कोण से चतुर्थांश में स्थित है, दोनों प्लस के हैं, तो पहले चतुर्थांश में स्थित है। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए 4,0 कहां स्थित है, क्या बताओगे, ना तो पहले में ना दूसरे में तीसरे में चौथे में, पहले तो प्लस का फिर जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब एक्स अक्ष पर है, कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। देखो अगर वाई का मान 0 है तो वो बिंदु कहां होगा, एक्स अक्ष पर होगा। अगर एक्स का मान 0 है तो बिंदु कहां होगा, वाई अक्ष पर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं, पहले एक्स लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं। आपको कुछ इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण सितारा बिंदु आपको सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सितारा बिंदु लिखिए, एक्स अक्ष पर वाई का मान, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, एक्स को मान 0, समझ गए। नंबर दूसरा सितारा बिंदु, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है बच्चों। नंबर तीसरा सितारा बिंदु, निर्देशांक लिखते समय हमेशा पहले एक्स तथा बाद में वाई लिखा जाता है, अर्थात एक्स कोमा वाई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सितारा बिंदु लिखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक
जीरो कोमा जीरो होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र आपको मैं बोल रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखिए। नंबर एक, सूत्र नंबर एक, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। तो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x भुज को कहते हैं और y कोटि को कहते हैं, इतना भी ध्यान रखना। तो भुज के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर। नंबर दो, मध्य बिंदु के निर्देशांक। भाई ये सूत्र कब लगाओगे आप, ये सूत्र कब लगाओ जब आपको दो बिंदु के निर्देशांक दे दिया, कहीं उसके बीच की दूरी निकालो। जैसे इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2, इसके निर्देशांकों की सहायता से आप दूरी निकालो। कैसे निकालोगे, ये दूरी का सूत्र लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मध्य बिंदु, ये कहते भाई इन दोनों के निर्देशांक, इसका बीच का बिंदु क्या होगा, वो मध्य बिंदु कहलाएगा ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लिखिए, x बराबर x1 प्लस x2 बटे m2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे m2, समझ गए। इसके बाद में तीसरा सूत्र लिखिए, यहां पर लिखवा देता हूं तीसरा सूत्र। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक है बच्चों। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं अंतः विभाजन के निर्देशांक। कैसे पता चलेगा, किस में लगाओगे, आपको एक बिंदु दो बिंदु देगा, कहेगा कि भाई ये बिंदु है ना चार कोमा पांच दो कोमा तीन, इसको किस अनुपात में काटेगा, रेशियो आपको दे देगा। आपको रेशियो में m2 m1 m1 m2 है, इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो, नोट डाल के लिखिए, अगर मान लो अंतः विभाजन की जगह भाई ये विभाजन हो, तो ये चिन्ह है ना, जितने भी चिन्ह आप इस सूत्र में देख रहे हो, तो सारे के सारे फिर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बाह्य, नंबर चार लिख लीजिए, बाह्य विभाजन के निर्देशांक। तो x बराबर में m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2, माइनस हो जाएगा, इसी सूत्र को देखा मैंने। y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, समझ में आ गया कि नहीं आया। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में आ रहे दिल से लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। यहीं पर एक सूत्र और बच रहा है, उसको मैं और करा देता हूं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसका जो है सूत्र, पांचवा सूत्र है, आपको ट्राइंगल दे देगा। अभी तक तो दो आ रहे थे, अभी तक तीन आएंगे आपको। तीन बिंदु का निर्देशांक आपको दे देगा, कहेगा ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है और ये एक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है बच्चों। कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या कहेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करो, लिख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो, याद हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है, घबराना मत। एक बटे दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये सूत्र को छाप लो, बहुत काम आएगा। सात पॉइंट तीन प्रश्नावली इसी सूत्र की हेल्प से आपको करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। तो अब आपको मैं 7.1 के जो है प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर एक से शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो कोमा तीन दे रखा है, और क्या दे रखा है,
4,1, इनके बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ए और बी दो बिंदु है मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, कैसे करोगे भाई साहब? ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। दूरी का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र आपको याद हो गया होगा, अभी अभी पढ़ा है मैंने। दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर आपको वास्तव में समझ में आता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो डी इक्वल टू अंडर रूट, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करोगे चैनल को तो आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको वीडियो रह जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। डी इक्वल टू अंडर रूट, एक्स टू की वैल्यू कितना है आपके पास? 4 है, माइनस x1 की 2 है, प्लस y2 की कितना है? 1 है, y1 की कितना है? 3 है। वैल्यूज को उठाया मैंने, रख दिया, वैल्यूज को क्या किया, उठाया यहां से और रख दिया। डी इक्वल टू अंडर रूट, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटाओ माइनस 2 आएगा। डी बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस इस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? 4 होगा। तो डी बराबर अंडर रूट 8, डी बराबर अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 मात्रक लिख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया। 8 अंडर रूट 8 से 2 अंडर रूट 2 कैसे आया बच्चों? अंडर रूट 8 को कोई विद्यार्थी 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकता है, इस एक जोड़े में से एक दो बाहर आ जाएगा, एक अंदर ही रहेगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर पहले का इसी का दूसरा आपको करना है, इसका थर्ड सवाल देखिए। बिंदु ए कोमा ए है, यहाँ पर दे रखा है आपको ए कोमा ए, यहाँ पर माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। क्या है आपका ए कोमा बी और इधर माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है बच्चों। पहले का थर्ड क्वेश्चन है, तो डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू की जगह बताओ क्या लिखोगे आप? माइनस का ए माइनस एक्स वन की बताओ ए का स्क्वायर प्लस वाई टू की जगह बताओ माइनस बी माइनस वाई वन की जगह बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां से वैल्यूज को उठाया एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू का। डी इक्वल टू अंडर रूट माइनस ए एंड माइनस ए माइनस टू ए हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। डी इक्वल टू अंडर रूट दो दूनी 4a² प्लस 4a² सॉरी 4b² कॉमन आ रहा है 4, तो डी बराबर 4 कॉमन लीजिए, अंदर कॉमन लिया है 4 मैंने, बच गया है a² प्लस b², 4 बार आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट a² प्लस b² दैट विल बी यूनिट, मात्र को लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 0,0 जो मूल बिंदु होता है और बिंदु 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, दो निर्देशांक हैं, जिसके 0,0 हैं और दूसरे कितने हैं आपके पास 36,15 है, तो इनके बीच की दूरी हम क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो भाई साहब, ये ए है आपका, ये बी है आपका, ठीक है बच्चों। और जो ए है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 y1 है, क्या है? x1 है y1 है, और इसको x2 y2 मानते हो आप, और दूरी का सूत्र आप जानते हो, d बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? d इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू बताओ बच्चों 36 है,
माइनस एक्स वन की बताओ जीरो है का स्क्वायर प्लस वाई टू 15 माइनस जीरो का स्क्वायर डी इक्वल टू अंडर रूट 36 में से जीरो घटाओगे 36 आएगा प्यारे बच्चों का स्क्वायर प्लस 15 में जीरो घटाओगे तो 15 आएगा का स्क्वायर ठीक है बच्चों डी इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का स्क्वायर देखिए 36 गुणा 36 करिए 6 × 36 तीन कैरी 6 × 18 = 21 6 × 18 एक असल 3 × 3 = 10 6 × 9 = 2 = 1 1296 कितना आ गया बच्चों 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 तो डी बराबर कितना हो जाएगा 225 और इसको जोड़ोगे तो एक असल पाई एक दसल तो 12 दो असल पाई फिर से 1521 तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 1521 का जो है यूनिट स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा 39 यूनिट 39 मात्र का आपका आंसर आ जाएगा 1521 है इसका मान लेते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है क्या 1521 का 1521 का आपको मान लेते हैं स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे तो आप क्या करोगे 1521 का फैक्टराइजेशन करोगे 5 × 6 = 8 × 9 तीन का भाग चला जाएगा बच्चों 3 × 15 = 3 × 7 = 21 फिर 3 का भाग जाएगा 3 × 1 = 3 2 × 3 = 18 है ना और भाई ये आपका हो जाएगा 3 × 9 = 27 फिर 13 का जाएगा 13 × 3 = 39 फिर 13 का जाएगा 1 कितना हो जाएगा पढ़ा 3 × 13 13 × 3 = 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बात समझ में आई नहीं आई डी इक्वल टू क्या होता है आपका x2 − x1 का स्क्वायर प्लस y2 − y1 का स्क्वायर x2 x1 y2 y1 आपके पास है इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे पुट करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद 1521 प्राप्त होगा और 1521 का जो है ना आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा 39 × 39 आपका स्क्वायर रूट निकल कर आएगा ठीक है बच्चों इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़िए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1.5 2.3 और −2, −11 संरेखीय है संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है कभी ये आपका x1 y1 ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3 ठीक है बच्चों एक मेथड तो ये दो मेथड है इसके पास अपने पास एक मेथड तो भाई सीधा सीधा मेथड है ये बिंदु ए है ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है एक बार मैं क्या करूंगा ए बी ज्ञात करूंगा ए बी की डिस्टेंस दूरी वाले सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लूंगा दूसरा बी सी ज्ञात करूंगा इन दोनों को ऐड करके अगर वो ए सी के बराबर आता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये एक संरेखीय पॉइंट है ठीक है इसमें आपको जो है बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन इसलिए आपको क्या करना चाहिए अगर मान लो मैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देता हूं मानकर चलो अगर मैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देता हूं और उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं है और त्रिभुज नहीं है तो क्या हो गए वो संरेखीय ही होंगे ठीक है बच्चों तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 − y3 + x2 y3 − y1 + x3 y1 − y2 ठीक है बच्चों इसके बाद में अपन क्वेश्चन देते हैं वैल्यूज पुट करते हैं दिस इंप्लाइज 1/2 x1 की वैल्यू कितना है अपने पास 1 y2 की वैल्यू कितना है 3 y3 की वैल्यू कितना है −11 तो ये माइनस और ये माइनस +11 बना देगा ना इसको प्लस x2 की वैल्यू कितना है 2 है y3 की वैल्यू कितना है -11 है y1 की वैल्यू कितना है 5 है
ये माइनस तो इस सूत्र की वजह से आया है, प्लस एक्स थ्री की वैल्यू बताओ भैया माइनस के दो है, वाई वन की वैल्यू बताओ, वाई वन की वैल्यू आपके पास पांच है और वाई टू की वैल्यू तीन है। भाई साहब मैंने है ना एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की है। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे एक बटे दो गुणा में एक गुणा में ये कितना हो जाएगा आपका चौदह, प्लस दो गुणा में ये माइनस का सोलह हो जाएगा, प्लस माइनस दो गुणा में ये आपका प्लस का दो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज एक बटे दो गुणा में चौदह एकम चौदह और माइनस बत्तीस आ जाएगा, सोलह दूनी बत्तीस और माइनस के चार आएंगे। दिस इंप्लाइज एक बटे दो इंटू में फोर्टीन माइनस ये बत्तीस हो जाए, कितना हो जाएगा आपका छत्तीस। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज एक बटे दो गुणा में चौदह में से छत्तीस घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा बाईस, ये ग्यारह बार कटेगा माइनस ग्यारह ये हो नहीं सकता, अतः बिंदु संरेखीय नहीं होंगे, नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो वैसे अगर इस प्रश्न को हम चाहते तो इसकी और इसकी मदद से ए भी ज्ञात कर सकते थे, इसकी और इसकी मदद से बी सी ज्ञात कर सकते थे, और इन दोनों की मदद से ए सी ज्ञात कर सकते थे, और इन दोनों का जो योग है वो ए सी के बराबर आता तो संरेखीय हो जाता, उसमें आपको तीन बार निकालना पड़ता, या एक बार निकालना पड़ रहा है आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर जीरो आ जाता है तो संरेखीय है, 100% सत्य है ही, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाता है तो वह बिंदु संरेखीय होता है। समझ गए, वो तीन बिंदु क्या होते हैं संरेखीय होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल जीरो के बराबर नहीं आया, ग्यारह आ रहा है, इसका मतलब ये बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों चौथा सवाल कह रहे हैं जांच कीजिए कि बिंदु तीन बिंदु आपको दे रखे हैं भैया बहनों, 7.1 का सवाल है और मोस्ट लगा लो, पांच कोमा माइनस दो दे रखा है, छह कोमा चार, सात कोमा माइनस दो, पूछ रहा है कि क्या ये सम द्विभाव त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो भैया बहनों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, और वो त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है इसका पता करने के लिए हमें तीनों साइड्स निकालनी पड़ेगी, तीनों भुजा निकालेंगे अपन, तीनों भुजा में अगर दो भुजा बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर दो भुजा बराबर नहीं आती तो हम कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। क्या याद करेंगे? ए बी, देखो बच्चों दूरी याद करेंगे, और जो याद कर रहे हो ए बी तो ए और बी के निर्देशांक काम में लीजिए, ए बी निकालेंगे। सूत्र क्या होता है बच्चों? ये आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह देखो a और b मान रहे हो ना आप, a b निकाल रहे हो तो a और b को काम में लीजिए, c को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब निकाल लेते हैं a b, x2 की वैल्यू बताओ 6, x1 की बताओ बच्चों 5 का स्क्वायर, प्लस y2 की बताओ 4, y1 की बताओ माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा ये आपके पास, छह में से पांच घटाओगे तो एक बचेगा, एक का स्क्वायर और ये छह का स्क्वायर, ए बी कितना आ जाएगा अपने पास, एक का स्क्वायर एक और छह का स्क्वायर छत्तीस। ठीक है बच्चों, ए बी कितना हो गया आपके पास, सैंतीस हो गया, ये आपके पास ए बी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? बीसी निकालेंगे। बीसी निकालने के लिए बी और सी को काम में लेंगे, ये एक्स टू वाई टू है मान लो, ये एक्स वन वाई वन मान लेते हैं। ठीक है, दूरी का सूत्र वही आपका, दूरी का सूत्र है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर।
बीसी इक्वल टू अंडर रूट जो है एक्स टू की वैल्यू बताओ, एक्स टू की वैल्यू अपने पास कितना है 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। बीसी इक्वल टू 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बीसी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने पहले ए बी निकाला, अब बी बी सी निकाल रहे हैं। ए बी और बी सी बराबर आ गए, क्या ए सी भी बराबर आता है? अगर ए सी बराबर आता है तो समबाहु त्रिभुज होगा, ए सी बराबर नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ए सी निकालेंगे, सूत्र आपका वही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एसी बराबर 7 में से 5 गया, 2 बचा और 0 बच जाएगा। ये आपका एसी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दुनी 4 प्लस 0 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2 मात्र। अब 2 आ रहा है, ए बी बी सी बराबर है, एसी बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। 2 भुजा बराबर आ गई बच्चों, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक्निकल टीम इसको थोड़ा सेट कर दे ताकि बच्चे आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करके देखिए, पुनः नोटबुक में करके देखिए, और अब आपको नेक्स्ट पेज पर भरते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। चंपा सही है, चमेली सही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको डायग्राम दे रखा है, इससे मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ बच्चों। एक ही कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, यहाँ से देखोगे तो 3.4 आएंगे, 3.4 पहले एक्स लिखेंगे, ध्यान रखना। बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 6.7, 6.7 नोटबुक में देख सकते हो आप अपनी में। सी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 9.4, 9.4 ठीक है बच्चों, और डी के हैं 6.1, ये डी के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है बच्चों, ए बी सी और डी, ये मैंने कच्चा डायग्राम बनाया है, आपकी बुक में दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, 3.4 है, ठीक है, 6.7 है, बिल्कुल ठीक है, 9.4 ये भी ठीक है, और 6.1 ठीक है बच्चों। इसके बाद ये चंपा चमेली से कहती है कि एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं, तो ये बताओ, सबसे पहले तो आपको वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, तभी इस सवाल को आप कर पाओगे। वर्ग क्या होता है, जिसकी चार भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी तो चार भुजा बराबर होती है, वर्ग की चार भुजा बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज की भी चार भुजा बराबर होती है, तो क्या करोगे, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो पर क्या करेंगे, कई तो क्या करेंगे, इसके चार डिस्टेंस निकालेंगे, उससे पता नहीं चल पाएगा कि कौन सही है, चंपा सही है चमेली सही है। चार डिस्टेंस बराबर आ गए मान लो, और बराबर आएगा भी, निकाल कर देख लेना चाहे, फिर चारों डिस्टेंस बराबर आने से ये पता नहीं चलता है ना कि ये वर्ग है, समचतुर्भुज है, इसलिए आप क्या करोगे, इसके विकर्ण ज्ञात करो सीधे, विकर्ण अगर बराबर आते हैं तो पक्का वर्ग है, विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज है। ऐसी निकालते हैं, सूत्र आपके पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसी बराबर a और c के कोऑर्डिनेट कहां में लोगे, x1 y1 है, x2 y2 है, x2 की जगह कितना है 9 है, माइनस x1 की जगह 3 है, y2 की जगह 4 माइनस 4 का स्क्वायर। एसी बराबर ये बच्चों 6 बच जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 ही तो बचेंगे, ये 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर। एसी बराबर कितना आ गया, 6 6 36 प्लस 0, और एसी कितना आ गया अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मात्रक। एसी कितना आ गया आपका 6 यूनिट आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ,
बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी और डी। देखो तो बी और डी निकालने के लिए बी और डी के निर्देशांक काम में लोगे, सूत्र यही है भाई, बी डी बराबर अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू बताओ बी और डी में, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू बताओ, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, बी डी बराबर 6 - 6 का 0 का स्क्वायर प्लस ये 6 बच जाएगा 6 का स्क्वायर, बी डी बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 36, 0 में 36 जोड़ो 36 आएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, देखो ये भी 6 वो भी 6, इसका मतलब चंपा सही है। अतः लिख दो, नोट डाल के लिख दो, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, तो विकर्ण बराबर आ गए ना बच्चों, और विकर्ण बराबर कब आते हैं, जब वर्ग होता है तभी बराबर आते हैं। वीडियो को स्क्रीन शॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए अगले पेज पर। हाँ बच्चों, आपने आज 7.1 के पहले से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस किए, छठा सवाल आप खुद कीजिए, ये आप खुद कर सकते हो, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनकी दूरी सूत्रों का प्रयोग करके डिस्टेंस निकाल लो, इसके बाद में आप बता दो कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 7वें क्वेश्चन से आपको कल इसी चैनल पर जो है वीडियो मिल जाएगी, आपको 7वें क्वेश्चन से कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करें।